हमने जो है ना इतना बोल दिया कि भैया किसी ने बड़े ट्रांसफार्मर पे गाय को काट कर डाल दिया है, आप सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो, हमारा इतना ही रोल है। तो यहाँ पर दो लड़के आए, उन्होंने कहा महाराज जी गेट खोल लो। हमने कहा भाई क्या बात है, ना जी गेट तो खोल लो आप। हमने गेट खोल दिया, बोले एक अनाउंसमेंट करना है। ना कैसा करना भाई, और कैसे करना कि यहाँ सड़क पर बड़े ट्रांसफार्म पर किसी ने गाय को काट कर डाल दिया और गांव वाले इकट्ठे हो जाओ। तो कहने लगे, हमने हमारा शिष्य कहने लगा भैया इनकी तबीयत खराब है गुरु जी की, आप खुद कर लो। वो कहने लगे गुरु जी की तबीयत खराब इतना कहने में क्या परेशानी हो जाएगी, जो ये रोज़ अलाउंस करते हैं, सब्जी वालों का करते हैं, किसी कपड़े वालों का करते हैं, क्या इतना नहीं कर सकते। वो कहने लगे कि तुम कर दो, अब ये तो ज़्यादा बोलना नहीं जानता इतना। तो हमने जो है ना इतना बोल दिया कि भैया किसी ने बड़े ट्रांसफार्मर पर गाय को काट कर डाल दिया है, आप सभी गाँव वाले वहाँ इकट्ठे हो, हमारा इतना रोल है, बाकी हमारा कोई रोल नहीं। तो उसके बाद से फिर लोग आके आपको परेशान करने लगे क्या? नहीं, लोग बागों ने परेशान नहीं किया, लोग बाग तो भागे घूम रहे थे गाँव में को। फिर यहाँ पुलिस आई, उन्होंने हमारे बयान लिए, वहाँ ले जाकर हमारे बयान लिए, फिर वो लड़कों को दिखा, भाई जो होगा तो उसको पहचानेंगे, झूठ के बोल लगे। हमारे सामने वे लड़के नहीं आए, जो भी थे उन्होंने गाड़ी में उनको बैठाया, हमें गुरु चिल्ला को बैठाया तो थाने लेके। तो बाद में आपको पता चला होगा कि क्या ये घटना सही थी या गलत थी? देखो सर मेरी बात सुनो, हम तो कल ही तो आने लग रहे थे जी, अब हमें क्या पता सही है गलत, यहाँ होते तो पता चलता। अब जैसे लोग वहाँ कह रहे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा, सोच बैठे किस किसकी बात सुनेंगे। अभी अब तो गाँव के लोगों ने बताया ही होगा कि वो सही था। गाँव के लोग तो ये बता रहे, अब गांव का लोग कौन बताएगा, कोई तो कह रहा है भाई सही थी, कोई कह रहा है गलत थी, तो बताओ किसकी बात का विश्वास करेंगे। हम तो बाहर ही निकले, हम तो बुखार में, मेरे तो दवाई भी रखी है यहाँ पर, डॉक्टर ही मौजूद है, मेरी रिपोर्ट भी पुलिस वालों के हाथ में थी, पता नहीं उन्होंने डाल दी कहाँ ले गए, रिपोर्ट तो और ही बन जाएगी। टाइफाइड बुखार मलेरिया में था मैं, मेरे बच्चे ने खुद सबको कहा था गुरु जी की तबीयत खराब है, वो किसी की बात नहीं मान रही। बोला तो हमारे गाँव में रहते हो, हमारे मंदिर में रहते हो, तो बताओ क्या करेंगे सर, आप ही बताओ जी। जब गांव वाले कहेंगे कोई हमें आकर भाई हमें कपड़ा बेचना है, हमारे कपड़े का अलाउंस कर दो, हमारा फला चीज़ का अलाउंस कर दो, ये तो मंदिरों में चलता रहता है, अलाउंस तो होते रहते हैं मंदिरों में, कोई कीर्तन भी करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हारमोनी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, हमारा काम सत्संग करने भजन करने, बताओ हम क्या ऐसे काम में फिर महात्मा क्यों बने, हम क्या हम किसी बुरा चाहेंगे, पता हुआ। अभी मुझे पता लगा रात को 2:30 बजे 3 बजे करीब मेरा मुझे फ़ोन गया था ताऊ जी का कि फादर जी ने मौत। जहाँ तक असंतुष्टि के जो सवाल है कि हमारा कहना जो है वो नहीं माना गया, संज्ञेयता उनका सवाल था, हो गया।